हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और जीटीयू टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टेक की खबरें बहुत ही मजेदार है, ये तो मैं रोज ही बोलता हूं, लेकिन आज का फैक्ट ऑफ द डे बहुत ही अच्छा है, ये मैं आज बोल रहा हूं, वैसे भी बोलता हूं, लेकिन हाँ शुरुआत करते हैं फैक्ट ऑफ द डे के साथ, क्योंकि आज की खबरें अच्छी हैं, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको पक्का मजा आने वाला है और डिसलाइक बटन तो वैसे भी काम नहीं करता है। शुरुआत करते हैं फैक्ट ऑफ द डे से और ये है मीडियाटेक के बारे में। जी हाँ, मीडियाटेक की तरफ से एक बड़ी खबर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीडियाटेक एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने चिप खुद के नहीं बनाती है, लेकिन ऐसे में अगर हम क्वालकॉम की बात करें तो वो भी अपने चिप खुद के नहीं बनाते हैं। और यहां पे मीडियाटेक कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, ये एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मीडियाटेक चाइनीज है, मीडियाटेक चाइनीज नहीं है। जैसे क्वालकॉम यूएस की कंपनी है, ऐसे ही मीडियाटेक ताइवान की कंपनी है। और यहां पे मीडियाटेक ही एक वजह है जिसकी वजह से सस्ते स्मार्टफोन एंड्रॉइड की दुनिया में आए थे, और उसका रीजन मैं बताता हूं। 2013 में माइक्रोमैक्स ने कैनवस HD लॉन्च किया था, जो कि पहला फोन था इंडियन मार्केट में 15,000 के अंदर HD डिस्प्ले वाला। और उस टाइम पे सैमसंग और बड़ी बड़ी कंपनीज, कोई भी HTC, सैमसंग वगैरह, कोई भी HD डिस्प्ले देने को तैयार नहीं था 25,000 से नीचे। सोचिए, उस टाइम पे माइक्रोमैक्स ने वो फोन लॉन्च किया था और उस वजह से माइक्रोमैक्स एकदम से सबसे ऊपर आ गया था। और फिर मीडियाटेक की वजह से हो पाया था क्योंकि क्वालकॉम के सस्ते चिपसेट आते ही नहीं थे, ये सस्ते वाले जो चिपसेट है ना वो नहीं आते थे, सिर्फ 8 सीरीज के आते थे। क्या पता थी आपको ये बात? अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी गुरु पूरब बोलना चाहूंगा, जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। और ऐसे में आज के दिन वैसे तो भंडारा होता है, लंगर लगता है, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है दिल्ली में, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है अपनी तरफ से बहुत से इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, जिससे जो लोग सड़क पे होते हैं, जिनको खाने की प्रॉब्लम रहती है, उनको खाना नहीं मिलता है, उनको आज ठीक से शायद खाना मिलेगा। और मुझे लगता है आज दिल्ली में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, और वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो सिख कम्युनिटी है इस चीज का ध्यान रखती है अपने फेस्टिवल्स पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दोस्तों, पहली खबर है मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 लॉन्च हो गया है। ये पहला 4 नैनोमीटर का फ्लैगशिप चिप है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें आपको ARM Cortex X2 मिलता है, काफी हाई एंड प्रोसेसर है, फ्लैगशिप फोन में आपको देखने को मिलने वाला है। रियलमी और रेडमी सबसे पहली कंपनीज होंगी इस फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ अपना फोन लॉन्च करने वाली, और आपको जनवरी फरवरी में आपको फोन देखने को मिल जाएंगे मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 चिपसेट के साथ। दोस्तों, एप्पल काम कर रहा है अपनी ऑटोमेटिक कार के ऊपर, जो कि ऑटोनोमस कार होने वाली, यानी कि उसको चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ही नहीं, इवन यहां पे आपको स्टेयरिंग व्हील भी नहीं मिलेगा, ब्रेक के और एक्सेलरेटर के पैडल भी नहीं मिलेंगे। तो भाई फिर है क्या ये, तो मतलब एक डब्बा ही चलेगा ना, उस डब्बे में बैठ जाएंगे फिर वो इधर उधर उतार देगा। तो कुछ इस तरह की कार एप्पल लॉन्च करने वाला है 2025 में, और पूरी तैयारियां चल रही है, लेकिन कमाल की बात है कि ये पहली ऑटोनोमस कार होगी जिसके अंदर स्टेयरिंग होगा ही नहीं, ब्रेक और एक्सेलेटर के पैडल भी नहीं होंगे। सोचो कितनी अजीब लगेगी, इसको कार कह भी सकते हैं या नहीं? दोस्तों, एप्पल यहां पे नया पेटेंट लेके बैठा है, और ये नया पेटेंट है ऑल ग्लास आईफोन, यानी कि आगे पीछे सब तरफ ग्लास ही ग्लास। और यहां पे जो डिजाइन है, उस डिजाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि ग्लास में ही साइड में आपको बटन मिलेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन के, वाईफाई के टॉगल्स हैं, फ्रंट में तो आपको ग्लास मिलता है, पीछे की तरफ भी ग्लास होगा, शायद बस एक पतला सा मेटल फ्रेम होगा, बाकी सब कुछ जो है ग्लास का होगा। लेकिन ऐसे फोन तो अभी भी आते हैं ना, तो ये ऑल ग्लास फोन का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फोन ट्रांसपेरेंट होगा। जी हाँ, अंदर के कंपोनेंट आपको दिखेंगे ही नहीं। तो इस तरह का एक फोन आने वाला है एप्पल की तरफ से, और इस डिजाइन ने जो कि पेटेंट इन्होंने लिया है, इससे मुझे एक फोन की याद आ गई, और वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट एज, जो कि एक समय पे आया था, सैमसंग का बढ़िया फोन था, आज भी है मेरे पास, और इसके जैसा दिख रहा है नहीं। दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबर यह है कि iPhone 14 Pro के अंदर आपको मिलेगा USB-C पोर्ट। हालांकि कुछ लोग यहां पे अभी भी कह रहे हैं कि यहां पे USB-C पोर्ट की जगह लाइटनिंग पोर्ट होगा, जैसे कि जॉन प्रोसर, जो कि बहुत ही पॉपुलर लीकर है, इन्होंने iPhone 14 का लीक किया था। ऐसे में iPhone 14 Pro में USB पोर्ट आएगा नहीं आएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ एप्पल की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। लेटेस्ट में जो MacBook Pro लॉन्च किए उसमें उन्होंने सारे पोर्ट्स दे दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि iPhone 14 में भी पोर्ट्स की वापसी हो जाए, या फिर एक तरह से आगमन हो जाए, पहली बार USB-C पोर्ट देखने को मिल सकता है, जिससे आप अपनी एंड्रॉइड वाली केबल भी यूज कर पाएंगे आईफोन के साथ। दोस्तों, मोटोरोला ने अनाउंस करे हैं मल्टीपल फोन्स, और यहां पे आपको सस्ते फोन भी मिल रहे हैं, महंगे फोन भी मिल रहे हैं। मोटोरोला ने लॉन्च करे हैं मोटोरोला के G71, G51, G41,
एंड G31, तो इस तरह के महंगे से सस्ते से लेकर महंगे तक फोन हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है और एक और फ्लैगशिप लेवल का फोन भी है और वो है मोटोरोला का G200 जो कि ग्रेटनेस की तरह से इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं ये लोग। काफी बढ़िया फोन होगा, स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ होगा और तकरीबन 450 यूरोस का दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा महंगा फोन होगा, इंडिया में शायद ही आए, अगर आएगा तो कम यूनिट्स आएंगे, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों साथ ही साथ मोटोरोला के ये जो नए फोन्स हैं जो कि G71, G51, G31, इन सबको BIS पे देख लिया गया है, यानी कि इंडिया में सर्टिफाई हो चुके हैं, बहुत जल्दी ये फोन्स इंडिया आने वाले हैं, हालांकि G200 को आने में टाइम लगेगा। दोस्तों नाइकी ने बना दिया है अपना मेटावर्स और उसे लॉन्च कर दिया है। ये एक वर्चुअल नाइकी स्टोर है जो कि यूज होगा रोबोलॉक्स नाम के एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि कुछ कुछ माइनक्राफ्ट जैसा दिखता है और वहां पे आप अपने कैरेक्टर को नाइकी के शूज पहना पाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे है पॉसिबल। और ये चीज आप फ्री में भी देख सकते हैं रोबोलॉक्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहें तो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं वहाँ पे, आई थिंक एक बढ़िया चीज़ है और नाइकी इस चीज़ के अंदर सबसे आगे है, खासतौर से मेटावर्स की तरफ वो जा रहे हैं, तो और कंपनीज भी आएंगी, मुझे लगता है धीरे धीरे सब कुछ कर पाएंगे आप मेटावर्स में, अगेन जो आप रियल लाइफ में करते हैं लेकिन वर्चुअली। दोस्तों एवेंजर्स मूवी तो याद होगी आपको, जैसे कि वहां पे एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था, कुछ वैसा ही आप भी कर पाएंगे फ्यूचर में और इवन अभी करंटली कर सकते हैं अगर साइंस इक्विपमेंट रेडी हो, क्योंकि यहां पे स्पेस में डिस्कवर हुआ है कि जो वॉर्म होल होते हैं ना उसके थ्रू आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब ये वॉर्म होल क्या होता है, ब्लैक होल के बारे में अगर आपको थोड़ा ज्ञान है जिसमें बहुत सारी ग्रेविटी का पुल होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है, लाइट भी बाहर नहीं आ पाती, उन दो ब्लैक होल के सेंटर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक वॉर्म होल बनता है और उससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी कब आती है जब आप टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, क्या पता अपना पास्ट में जाके आप देख पाए। और दोस्तों अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे या क्या करना चाहोगे टाइम ट्रैवल को यूज करके, बताना जरूर कमेंट्स में। दोस्तों Realme की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं नए फोन जिनमें है Realme Narzo 50A Prime जो कि आने वाला है, Realme C35 भी आने वाला है और ये दोनों फोन ज्वाइन करेंगे बाकी और फोन्स को जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि Realme का Narzo 50A एंड 50i और बहुत जल्दी इनका लॉन्च होने वाला है, तो सस्ते फोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं Realme की तरफ से, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एक नया फोन चाहिए नए हार्डवेयर के साथ। दोस्तों अग्नि का वीडियो आज हमारे चैनल पर जा रहा है, कल नहीं जा पाया था क्योंकि कल हम शूट कर रहे थे, थोड़ा देर से आया था डिवाइस हमारे पास, हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया जिसमें इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फोन कितना वैल्यू फॉर मनी है, लेने लायक है या नहीं, तो वीडियो को मिस मत करना, देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, मैं बाद में डाल दूंगा, शायद जब तक ये टेक न्यूज जाए तब तक वो जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। दोस्तों Realme GT2 Pro के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं, आ गए हैं सामने, 6.5 इंच का FHD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का फोन है, Snapdragon Gen 1 है इसमें, Gen 1 समझते हैं ना, जैसे हमने बताया था कि Snapdragon के प्रोसेसर का नाम अब बदल रहा है, तो इसमें आपको 898 मिलने वाला है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, OIS वाला कैमरा है, यहाँ पे LPDDR5 RAM है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, Bluetooth 5.2 है, Wi-Fi 6 है, सब कुछ हाई एंड है, 125 वॉट की चार्जिंग है, तो ये हाई एंड फोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च भी होगा, जैसे होगा हम बताएंगे, लेकिन 2022 के जनवरी फरवरी तक ये फोन इंडिया में आने वाला है। Realme GT2 Pro भूलना मत, बहुत ही बढ़िया फोन होगा। स्टार कमेंटेटर्स ऑफ द डे हैं आज ऋषि गेट, जिन्होंने क्रिप्टो के बारे में कुछ कहा है, तो वो एक अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो को अब पॉजिटिवली ले रही है। दूसरा है कमेंट अनुराग कुमार का जो कि बोल रहे हैं कि गूगल के इनिशिएटिव अच्छे होते हैं, जैसे कि गूगल सर्च आप हिंदी में आप सुन सकते हैं। और इसके बाद है रत्नेश जी, जिन्होंने पूछा है कि सर आपके बालों का कलर असली है या आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, तो यहाँ पर भाई अब इस बात के बारे में तो जवाब हमारे बार-बार ही दे सकते हैं, अब वो ही बताएंगे, वैसे जो भी है अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है ना, असली नकली क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, तो पहली टिप है कि कैसे आप गूगल के सर्च रिजल्ट्स को अपने लैंग्वेज में सुन सकते हैं फोन पे या पीसी पे, ये कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होता है, आप हिंदी में, मलयालम में, किसी भी और लैंग्वेज में सर्च रिजल्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं अपने फोन पे, वो भी गूगल आपको पढ़ के बताएगा, जरूर पढ़ लेना इस आर्टिकल को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो अगला टिप है वो है कि कैसे आप फोटोज वीडियोज ऐड करते हैं, आपको याद है ना कई बार हम जब जाते हैं कुतुब मीनार पे कहीं पे भी, तो वहां पे आपको नाम
लिखे मिलते हैं लोगों के कि भाई यहाँ पे हम आए थे और लव बर्ड्स के नाम होते थे, वैसे ही समझ लो गूगल मैप्स के अंदर अगर आप कहीं भी जा रहे हो और वहां पे चाहते हो कि भाई आपका फोटो वहां पे आ जाए, तो आप अपनी फोटो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो उस जगह के बारे में कि आपने उस जगह विजिट की, और उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और गूगल में फ्री स्टोरेज भी मिल सकती है। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ हमने बताया है, लिंक के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।